उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा पाने वाले माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि उम्र कैद की सजा के बाद अतीक को गुजरात की साबरमती जेल भेजा गया। साबरमती जेल में सजा काट रहे माफिया अतीक अहमद का ठिकाना अब जल्द बदलने वाला है। जी हाँ, दरअसल बताया जा रहा है कि अतीक अहमद को अब साबरमती जेल से जल्द ही ट्रांसफर किया जा सकता है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी जेल बदली जा सकती है। अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से हटाकर अब जल्द ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। खुफिया जांच की रिपोर्ट के आधार पर उसके जेल बदलने का फैसला लिया जा सकता है। यूपी की योगी सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है। सरकार सुप्रीम कोर्ट से अतीक अहमद की जेल बदलने की मांग करेगी और उसे साबरमती जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने की मांग करेगी। आपको बता दें कि उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा पाने के बाद अतीक अहमद को साबरमती जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। यहां उसे कैदी नंबर 1752 अलॉट हुआ है। हालांकि अतीक अहमद अभी साबरमती जेल से किसी और दूसरे जेल में शिफ्ट होना नहीं चाहता। जब अतीक को सजा सुनाई गई तो वह जज से साबरमती जेल भेजने की अपील कर रहा था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से 3 जून 2019 को अतीक अहमद को प्रयागराज की सेंट्रल जेल से साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद साबरमती जेल में अतीक अहमद की गतिविधियों को लेकर कहा गया था कि अतीक अहमद साबरमती जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था, दरबार लगाता था, उससे मिलने आने वाले लोगों को जेल में छुट्टी दी जाती थी। वहीं रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि जेल में माफिया का रोजाना दरबार सजता है। प्रयागराज और अन्य जगहों से आने वाले ज्यादातर लोगों को बिना लिखा पढ़ी एंट्री के ही जेल जाने की छूट होती थी। बाहर से आने वाले तमाम लोगों के रहने खाने और नहाने धोने की व्यवस्था जेल में ही की जाती थी। साथ ही कहा गया था कि अतीक अहमद ने साबरमती जेल को होटल और धर्मशाला में तब्दील कर रखा था। इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद ही अतीक को नैनी जेल से साबरमती शिफ्ट किया गया था। खैर, अब देखने वाली बात है कि अतीक का ठिकाना बदला जाता है या नहीं। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।